सकते हैं, ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। भाई इतना सपोर्ट किए हैं, अब आज बहुत ज़्यादा थके हुए भी लाइन तो आ गया है, अब एक दो काम है वो भी सेट हो जाएगा। चलिए फिर भी मैं आपको दिखा दूँ कुछ कुछ जो आप नहीं देखे होंगे, जहाँ ये आपका घर, कहने का मतलब चूँकि अपना परिवार है यूट्यूब और वो भी नौकरी तक, तो आप हमारे सदस्य हैं, हम लोग सदस्य एक फैमिली मेम्बर हैं, तो कहीं ना कहीं आपका इसमें हक है। हाँ ठीक है, आप आ नहीं पा रहे तो लेकिन आप ऑनलाइन दिखा दें, यही इसी पर पढ़ाते हैं। ये मेरा स्टैंड हो गया यहाँ और इस पर सोते हैं, चौकी है, और देखिए ये पहले वाला रूम है, इस पर पढ़ाते थे, ये पहले का बोर्ड है, फिर भी आज हम दिखा देते हैं, पहले वाला बोर्ड है जिस पर हम पहले पढ़ाते थे। तो यही सब है, चले जीवन है ये सब, और जीवन में उतार चढ़ाव होता है और आप भी संघर्ष करते रहिए। जीवन क्या है, जो टैलेंट आपका, आप एक शिक्षक हैं तो आप भी पढ़ाइए, आप भी यूट्यूब पे पढ़ाइए। पढ़ाने से क्या होगा, अगर कोई वीडियो नहीं भी देखेगा कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो टैलेंट है वो निकल के आएगा जीवन में, जीवन में वो निकल के आएगा। और ये नहीं कि शर्म होगा, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या, कोई बात नहीं, हंसने दीजिए, दुनिया हंसता उसी पर है जो कुछ करने वाला होता है, ऐसा नहीं है, मुर्दा पर कोई नहीं हंसता है। आपके मरने के बाद या हम मर जाएंगे तो उस समय समाज भी बोलेगा अच्छा आदमी था, लेकिन जब जिंदा है तो लोग क्रिटिसाइज़ करता है, हंसता है, तो आप लगे हुए, हम भी लगे हुए आपके बहाली के लिए, भगवान से मनाते हैं हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो टैलेंट है वही काम कीजिए और कोशिश कीजिए, अगर आप शिक्षक हैं तो आप कोचिंग पढ़ाइए, जा यूट्यूब पे पढ़ाइए, शर्माना नहीं अपने आप में, और आप लोग उस एलिजिबिलिटी में है तो कहीं ना कहीं सब नहीं सोचना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना, जीवन इसी का नाम है। और आप लोग, बहुत खुशी होता है कि आप लोग इतना प्यार देते हैं और इतने अच्छे इंसान हैं आप लोग, खुद एक आप लोग अच्छे इंसान हैं, इसीलिए सामने वाले या मैं जो इतना हमको क्या बोले, मेरे पास शब्द नहीं है। चलिए आज आपको मस्त अपना जो रूम है वो भी दिखा दिए, यहीं से हम पढ़ाते हैं और दिखाना मेरा वाजिब था। चलिए काम सब जो है यहाँ देखते हैं, लाइट सब रखा हुआ है, सब काम चल रहा है, यहाँ बोर्ड भी खुला हुआ है, देखिए अब लास्ट काम है, अब हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये मिस्त्री भाई लोग हैं पीछे, यहाँ इसमें दिखाई नहीं पड़ेगा, वो भी दिखा देते हैं। देखिए ये नासिक भाई, क्या नासिक भाई ठीक है, काम बढ़िया हो रहा है। साथ भाई यहाँ आइए, आप भी आइए, ये साथ भाई है, बहुत बढ़िया काम करते हैं और बहुत खुशी होता है इतना मदद करते हैं, खैर नहीं भाई। चलिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आज भाई के लिए मैनेज कीजिएगा, ठीक है, और माफ़ी भी चाहेंगे फिर से, एक वीडियो मैंने डाला है व्यूज के लिए नहीं बल्कि आपको बताने के लिए, हमारे यहाँ काम चल रहा है, बस आज भाई एडजस्ट कर लीजिए, कल से कोई दिक्कत नहीं होगा, कल वैसे नवरात्र भी है, ठीक है। मैं फिर से बोलूँगा, माता रानी, माँ भगवती, माँ जगदम्बा आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लावे, आप बहाली, जिस बहाली के लिए मांग करते हैं वो बहाली भी आवे, जिससे कहीं ना कहीं हमें भी खुशी होगा कि हमसे आप जुटे हुए हैं, लेकिन हम प्रयास करते रहेंगे। आप अपना हिम्मत मत तोड़े, आज के न्यूज़ के अनुसार बी पॉजिटिव है, कोई भी न्यूज आता है उसको हम दिखाते हैं, समझाते हैं, इसलिए नहीं चूँकि अब क्या कीजिएगा, जब निकम्मी सरकार है या कोई भी हो, अब कोई उल्टा बोलेंगे कुछ बोलेंगे उस पर नहीं जाना है, लेकिन आप पॉजिटिव रहिए और बहाली आज ना आना है, बहाली तो आएगा, लेकिन आप लोग की कहीं ना कहीं कमी भी लगता है कि जो कुछ अभ्यर्थी बोलते हैं बहाली क्यों नहीं आया, ये नहीं आया, घर से निकलना सीखिए, निकलते तो है नहीं घर से, आंदोलन में मैं गया हूँ, कहाँ होता है 1 लाख बच्चे आए, 50,000 बच्चे आवे, बहुत कम बच्चा आते हैं सर, दुख होता है, प्लीज़ आज कम विद्यार्थी होने के कारण ही बहाली आज नहीं आया है। आज अगर भारी संख्या होती 50,000 की संख्या में तो नेताजी को क्या, उनके बाबूजी को भी बहाली देना होता, लेकिन सरकार समझ गई है कि लोग कुछ दिन बाद शांत होगा, लेकिन शांत बैठने वाले नहीं हैं। चलिए आप लोग पॉजिटिव रहिए, सोच को विकसित करना है, निगेटिव नहीं होना है, अगर हमसे जुटे हुए हैं तो जीवन में हमेशा हंसते रहिए। बेरोजगारी मैंने भी देखा है और आज भी संघर्ष कर रहे हैं, आप भी संघर्ष कीजिए, अगर जो टैलेंट है उस टैलेंट में आगे बढ़िए, आपको अगर पढ़ाने में टैलेंट है किसी से क्यों बात कीजिएगा, यूट्यूब पर पढ़ाइए, दुनिया बहुत बड़ा है सर। अभी हम बताइए आपसे बात करने का रीज़न क्या है, हम किसी से क्यों बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे 2 मिनट, आप हमें चाहते हैं तो आप मुझे चाहते हैं, आप हम आपको मैं चाहता हूँ, तो जो भी टैलेंट है उसको यूट्यूब पे निकालिए, यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सर। अब इसका नेगेटिव मतलब कुछ अभ्यर्थी निकाल लेंगे नहीं, इससे अभ्यास होगा आपका, और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, माता पिता का सेवा कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, और नवरात्र जो भी है
नवरात्र अच्छे से मनाइए। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्र की। कल से है, कल पहला दिन है। चलिए जय हिंद जय भारत।